तो गाइस आज हम फिर से आ चुके हैं BGMI के सबसे खतरनाक वाले गेम प्ले में। अच्छा और इस गेम प्ले में खतरनाक जैसा कोई सीन नहीं है, बस बकचोदी ही भरी हुई है। मतलब इतनी ज़्यादा बकचोदी हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। और सबसे पहली बकचोदी तो हमें आज तक गन नहीं दिया BGMI वालों ने, वो तो हमारे साथ जो है 36 का आंकड़ा चल रहा है, कभी गन देंगे ही नहीं हमें। और गन दी भी तो क्या, ये टपा टप, हम जॉनेथन तो है नहीं कि हम टप टप करके भी बंदे गिरा देंगे। और हम इधर उधर घूम ही रहे होते हैं गन की तलाश में, तो इतनी देर में ना हमारे टीममेट से एक सज्जन मुठभेड़ करने लग जाते हैं, तो हम उन्हें टपा टप करके हम उनकी बजा देते हैं। और बजाने के बाद हमें पेटी में दिखती है टॉमी, तो टॉमी उठा के हम आगे को चल रहे होते हैं, तो यहाँ देखते हैं कुछ सज्जन आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि उनके मुठभेड़ में हम अपना काम शुरू कर देते हैं, यानी किल चोरी करना। तो यहाँ हम किल चोरी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक सज्जन को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो हमारी पेटी बनाने में तुल जाते हैं। यार इतना काहे का गुस्सा यार भाई, मतलब भी आप, हम तो आपकी तकलीफ दूर कर रहे थे और आप हमारी ही पेटी बनाने लगे हो, ये काहे का इंसाफ हुआ भाई। और वो भाई साहब का गुस्सा शांत नहीं होता है और वो हमें हमारी पेटी बना के छोड़ता है। लेकिन इस ये नींबू साइलेंट वालों का भी नहीं समझ आता, साला इतनी घटिया जगह उतारते हैं ना ये मरने के बाद भाई साहब, जहाँ बंदा क्या बंदे की परछाई भी नहीं होती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा लूट रहे होते हैं और यहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन एक गाड़ी आ जाती है और भाई साहब यहाँ हमारी फट भी बहुत रही होती है कि भाई गाड़ी आ गई है, लूट नहीं है, ये वो, हमारी फट रही बहुत होती है। लेकिन आपका भाई उनके लिए फुल कैंपिंग करना शुरू कर देता है, बिल्कुल इच्छाधारी नाग बन जाता है आपका भाई। आपका भाई फुल इच्छाधारी नाग बन के इन दोनों को डस लेता है, फुल इनकी दोनों की पेटी बनाने के बाद हम रिवाइव करने जा रहे होते हैं। लेकिन हमने सोचा पहले पेटी लूटते हैं, लेकिन इनके इनके टीममेट आ जाते हैं भाई, वो भी गुस्से में भाई, इतना गंदा स्प्रे मारते हैं ना क्या बताएं, और ज़्यादा फटने लग जाती है हमारी की भाई। और यहाँ पे भाई हमारा एक टीममेट मतलब क्या ही बकचोदी कर रहा है, वो इतनी ज़्यादा मतलब साले ने इस कारल को M249 बना दिया था। तो उसके बाद तो बकचोदी जो होती है नंबर 2 की तो आपने देख ही ली, और नंबर 3 बकचोदी भी आप देख ही लेना। मतलब मेरा टीममेट इतना बड़ा चूतिया है ना भाई, मैं यहाँ फाइट ले रहा होता हूँ और वो साला रोटेट मारने चले जाता है। मतलब कोई सेंस नहीं बनता उस बात का कि भाई वो रोटेट मार रहे, हम क्यों मारे रोटेट। तो भाई साहब वो तो चूतिया रहेगा ही रहेगा। और यहाँ हमारे साथ भी इतनी बड़ी बकचोदी हो जाती है, मतलब इतनी गोलियाँ मारने के बाद भी हम नॉक हो जाते हैं भाई साहब, मतलब गलत सीन हो जाता है यार। लेकिन यहाँ पे हमारे एक नंबर टीममेट को इतनी ज़्यादा लूटने की पड़ी थी भाई, वो अपनी पेटी बनवा लेते हैं, मतलब साला क्या करोगे इतना लूट ले के भाई। और यहाँ पे जब तो उनका एक टीममेट रोटेट मार के हमारे पास आ जाता है, तो हम इसको भी दस लेते हैं एक चढ़ारी नाग बन के। अब यहाँ पे आपको एक बकचोदी दिख जाएगी, मतलब साला इतना इतना मारने के बाद भी हम नॉक हो जाते हैं, साला इस पे हमें इतना गुस्सा आता है, मतलब देख रहे हो। और साला यहाँ बकचोदी हमारा टीममेट करा जाता है भाई साहब, हमसे साला 50 मीटर दूर रहता है और साला फायर भी नहीं करता, तो इतनी गाली देने का मन करता है ना।